हेलो पूजा, यार मैं तेरे घर आने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे मनीष ने डरा दिया। बात तो घबराने वाली है, पर तू ऐसे कब तक घबरा के घर से बाहर नहीं निकलेगी? हाँ, बी स्ट्रॉन्ग बिन्नी। अभी तो तू उसके साथ घूम रही थी, तब तो तुझे डर नहीं लग रहा था। अब तू क्यों डर रही है? ऐसा कैसे हुआ? सुनहरी मछली हाथ में आई और हाथ से फिसल गई? इससे पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। यार सब कुछ प्लान से ही चल रहा था। मैं उसको पानी पिलाने वाला ही था, बस इतने में पूजा का फोन आ गया और फोन आने के बाद ही सब गड़बड़ हो गई। हाँ धर्म, कल तुम मुझे कॉल कर रहे थे। दरअसल कल हम सब लोग तुमको लेकर कितना परेशान थे, तुम फोन नहीं उठा रही थी। यार कल मैं थोड़ा बिजी थी। देखो बिन्नी, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ करे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लिया करो। पता है पूजा कितना परेशान थी तुम्हारे लिए? उसने मुझे फोन करके तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता करने को कहा था। रुको एक मिनट, मैं मनीष और विक्रम को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, वो भी बहुत परेशान थे। लूना। हाँ धर्म बोल। हाय मनीष, बिन्नी लाइन पे है। क्या हुआ यार, कल तू फोन ही नहीं उठा रही थी, हम तो सच में डर गए थे। सब ठीक है, मैं घर पर आ गई हूँ, पूजा का सही टाइम पे फोन आ गया था। अपने बारे में और पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सोच लिया करो यार। लेकिन बिन्नी, जितना मैंने उस लड़के के बारे में सुना है, वो ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा तेरे बारे में। इन सब के पीछे ना वो पूजा का ही हाथ है, और मैं बता रहा हूँ भाई, इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं। ओए अदब से बात करो, प्यार करता हूँ मैं पूजा से। और हाँ, जब भी तेरे को कहीं बाहर जाना हो तो हम में से किसी को कॉल करके बुला लेना। जब तुम जैसे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, लेकिन यार गड़बड़ तो सब उसी की वजह से हुई है ना। कोई बात नहीं, घर का मैटर है, मैं सब संभाल लूंगा। कल मैं जाऊंगा पूजा से मिलने उसके घर। क्या बात कर रहे हैं भाई, पूजा से मिलने जा रहे हैं, वो भी उसके घर? तब तो कमाल हो जाएगा भाई। उसको सावधान करना है, उसके ऊपर आफत आने वाली है। आफत आने वाली है मतलब? मैंने तुमको बताया था ना राम सिंह के बारे में, कल मैंने उसको ठोक दिया और काट के भर के हैदर कैनाल नाले में फेंक दिया। साला बड़ा स्मार्ट बनता था, लेकिन उसने जो बात बताई है ना, बहुत ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली क्या? अगले एक हफ्ते में पूजा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए किसी भी तरह से। बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं, अब पूजा मुझे किसी भी तरह चाहिए। तुम काफी दिनों से उसके पीछे पड़े हुए हो, मुझे मालूम है तुमने सारी प्लानिंग कर रखी है, बस पूजा मेरे पास पहुंचनी चाहिए किसी भी तरह से, समझे? उसने बताया कि दद्दा और नागनाम के दो आदमी हैं जो पूजा के पीछे पड़े हुए हैं। यही पता करने के लिए आज मैं विधानसभा गया था छन्नू से मिलने। कुत्ते की जात साला, वो भी चंगेज से मिल गया। आज उसने और राणा ने मुझे घेर लिया था। मेरे इलाके में कदम रखेगा? बहुत दिनों से तेरी तलाश थी,
दोस्त तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। बड़ी मुश्किल से बच के निकल पाया उन लोगों से। हाँ सर, प्लानिंग तो सब कर रखी है, क्योंकि मैं पैसे के लिए हर काम करता हूँ। आप मुझे पैसा दे रहे हैं तो आपका भी काम हो जाएगा। बस मैं सामने वाले से एडवांस ले चुका हूँ, तो प्लान के तहत मुझे पूजा को उसके पास तक पहुँचाना है। एक बार पूजा को वहाँ तक पहुँचा दो, उसके बाद पूजा वो ले जाए या आप ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने पैसे में तो बिन्नी भी आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन बिन्नी, जितना मैंने उस लड़के के बारे में सुना है, वो ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। वो जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा तेरे बारे में। बिन्नी की कॉल? हाँ बिन्नी। हेलो पूजा यार, मैं तेरे घर आने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे मनीष ने डरा दिया। उसने कहा कि वो चुप नहीं बैठेगा और तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। बात तो घबराने वाली है, पर तू ऐसे कब तक घबरा के घर से बाहर नहीं निकलेगी? हाँ बी स्ट्रॉन्ग बिन्नी, अभी तो तू उसके साथ घूम रही थी, तब तो तुझे डर नहीं लग रहा था, अब तो क्यों डर रही है? मेरी बात सुन, तू बाहर निकल और फेस कर उसे। दैट ब्लॉक कर दिया इसकी तो। इस पूजा ने बताया क्या है बिन्नी को सच सच मेरे बारे में? बस मुझे ये पता चल जाए, उसके बाद मैं दिखाऊं इसको खेल। इस पूजा को किसने बताया मेरे बारे में? और अगर वो तेरे सामने आएगा तो उसे अच्छे से समझा देना। और हाँ एक बात और, किसी सुनसान रास्ते से मत आना, ऐसी रोड से आना जहाँ पे लोग हो। थोड़ा सा संभल के रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ ठीक कह रही है तू, ऐसे डर के थोड़ा ना रहना है। अगर मुझे पता चल गया कि इसमें कोई मेरा जानने वाला है तो कसम से बता रहा हूँ, चीर के रख दूंगा मैं उसको। मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं इतने दिनों की मेहनत ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगा। एक बार मेरे जंगल में जो लड़की चली आती है वो वापस कभी नहीं जा पाती है बिन्नी। ठीक है चल मैं आती हूँ। और हाँ एक काम और करते हैं, मनीष धर्म और विक्रम को भी बुला लेते हैं। हाँ यहीं घर पे। चल ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। ओके ओके तू आ जा। ठीक बाय। हेलो। हाँ मनीष। हाँ तू शाम को फ्री है? अच्छा चल ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। तू घर आ जा और हाँ तू विक्रम और धर्म को भी बोल देना। सब लोग यहीं मिलते हैं। ओके बाय। अंकल मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मुझे पूजा ने बोला था कि कुछ गड़बड़ है,
पर मैं उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि मैं समझ ही नहीं पाई।